नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है जम्मू कश्मीर में, जो 370 धारा को हटाया गया, इसको लेकर चाइना का जो व्यवहार है कुछ ऐसा ही हुआ है। पूर्व में भी चूँकि भारत की लड़ाई पाकिस्तान से भी हो चुकी है, चाइना से भी हो चुकी है, बहुत सारे इंटरनेशनल या इंटरनल कुछ ऐसे मामले हैं जिस पर चाइना हस्तक्षेप करता रहा है पाकिस्तान को प्रोटेक्शन देने के लिए। ये ताज़ा मामला है, अभी जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा हटाया गया है इसको लेकर के अब इंटरनेशनल सिनेरियो में चाइना भारत के साथ धोखेबाजी किया है। 370 धारा हटाने के पहले जो भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर, चाइना जाकर के चाइना के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मिल करके उन्होंने धारा 370 हटाने की पर चर्चा की थी और उन लोगों की चाइना की राय भी मांगी थी। चाइना ने इसमें हामी भरी थी कि आप लोगों का इंटरनल मामला है। भारत को एक बल मिला कि पड़ोसी देश समर्थन दे रहा है, अच्छा काम करने के लिए समर्थन दे रहा है। चूँकि ये 370 धारा जम्मू कश्मीर के लिए एक नासूर जैसा है, तो ऐसी स्थिति में अब 370 धारा को जब हटा दिया गया है तो चाइना ने पाकिस्तान के सपोर्ट में मोर्चा खोल दिया है। UNSC में चाइना ने कंप्लेन किया है। UNSC में जितने सारे प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं उसमें लगभग 14 देशों का समर्थन भारत को मिलना बताया जा रहा है। चूँकि आतंकवाद से बहुत सारे कंट्रीज हैं जो अभी परेशान हैं, झेल रहे हैं, और अन्य कंट्री जो भी हैं वो उनका कहना है कि ये भारत का इंटरनल मामला है, इसमें हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी चाइना इस मामले को UNSC में ले गया है और वहाँ पर अब देखना होगा कि जो बैठक होगी, मीटिंग होगी, उसमें क्या निकल करके आता है। फिलहाल आप देखिए ये मामला। पूरी दुनिया में अलग थलग पड़े पाकिस्तान की बौखलाहट तब और बढ़ गई जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A के एक खंड को छोड़कर ज़्यादातर प्रावधानों को हटा दिया। इस कड़ी में पाकिस्तान को एक बार फिर चीन का साथ मिला है। पाकिस्तान के सहयोगी देश चीन ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के भारत के फैसले पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बंद कमरे में विचार विमर्श करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष राजनयिक ने यह जानकारी दी। उम्मीद की जा रही है कि इस मसले पर बंद कमरे में बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक कश्मीर के हालिया घटनाक्रम को लेकर चीन के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज एक बैठक होगी जिसमें इस मसले पर परिषद के सदस्यों के बीच बंद कमरे में मंत्रणा होगी। बताया जाता है कि चीन ने बुधवार को परिषद की अनौपचारिक परामर्श के दौरान इस संबंध में आग्रह किया था और क्लोज्ड डोर प्रारूप के बैठक में समूह के सदस्यों के बीच मंत्रणा होगा जिसमें पाकिस्तान का शामिल होना नामुमकिन है। बताया जाता है कि चीन चाहता था कि गुरुवार को ही इस मसले पर विचार विमर्श हो, लेकिन पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार इस दिन कोई बैठक नहीं होने वाली थी, इसलिए बैठक शुक्रवार के लिए टाल दी गई। इसके पहले भी पाकिस्तान ने बैठक की मांग करते हुए एक पत्र लिखा था। पाकिस्तान ने इस बारे में अगस्त महीने में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पोलैंड को पत्र लिखा था। हाल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि उनके देश ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के भारत के फैसले पर चर्चा के लिए सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की औपचारिक मांग की है। इधर चीन ने भी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध किया है, लेकिन पोलैंड को बैठक की तारीख और समय तय करने से पहले अन्य सदस्यों से परामर्श करना होगा। इधर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि अनुच्छेद 370 संबंधी फैसला उनका आंतरिक मामला है और उसने पाकिस्तान को भी वास्तविकता स्वीकार करने की सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुतारेस ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई द्विपक्षीय मुलाकात में स्पष्ट किया था कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने का फैसला भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा था कि यह बदलाव बेहतर प्रशासन और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए है एवं फैसले का असर भारत की सीमाओं और चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नहीं पड़ेगा। आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगे तो सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहें।